साथियों नमस्कार, टीचर अकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं हूं डॉक्टर अंबरीश शुक्ला। आप सबका बेहद स्वागत है आपके अपने चहेते संस्थान में। टीचर्स एकेडमी एकमात्र संस्थान है जो आपको सदैव अध्यापक बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहता है। इसी प्रतिबद्धता की कड़ी में आपके साथ मैं सदैव जुड़ा रहता हूं और महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके लिए प्रेषित करता रहता हूं। इसी कड़ी में आज हम लोग आपसे चर्चा करने वाले हैं डीट प्लस बी। दिल्ली अधीन सेवा चयन बोर्ड ने अभी पहली बार आधिकारिक तौर पर अपना कोई पाठ्यक्रम जारी किया है। पहली बार उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना पाठ्यक्रम निर्धारित किया है, जारी किया है। और इस पाठ्यक्रम की खासियत क्या है, इस पाठ्यक्रम में क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से तैयारी करना है और डीट प्लस बी की परीक्षाएं कब आयोजित होंगी, इस पर पूरी बात आज हम लोग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप सबको पाठ्यक्रम दिखा देते हैं कि क्या पाठ्यक्रम है इसका और कैसे हम लोगों को इसकी तैयारी करनी है। दिल्ली अधीन सेवा चयन बोर्ड ने यह पाठ्यक्रम जारी किया है, और टीजीटी हिंदी की सीधी भर्ती के लिए यह पाठ्यक्रम जारी किए गए हैं। ठीक है, आप सबको दिखाई दे रहा है, बता दें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहां पर यह इन्होंने जो पाठ्यक्रम जारी किया, इस पाठ्यक्रम में जो सबसे पहला टॉपिक है उसका नाम है हिंदी साहित्य का उद्भव, विकास एवं गद्य साहित्य की विधाएं। यह सबसे पहला टॉपिक है। इसके डिटेलिंग में भी जाएंगे कि डिटेल में क्या क्या जाके हमको पढ़ना है। अभी केवल हम पाठ्यक्रम को देख लेते हैं, फिर देखेंगे कि इससे संबंधित किताबें हमें कौन सी पढ़नी है। पहला है हिंदी साहित्य का उद्भव, विकास एवं गद्य साहित्य की विधाएं, जिसमें उपन्यास पर आधारित प्रश्न होंगे, कहानी पर आधारित प्रश्न होंगे, नाटक एकांकी पर आधारित प्रश्न होंगे, निबंध पर आधारित प्रश्न होंगे, यात्रा वृत्तांत पर आधारित प्रश्न होंगे, संस्मरण रेखाचित्र पर आधारित प्रश्न होंगे, आत्मकथा जीवनी पर आधारित प्रश्न होंगे और रिपोर्टाज पर आधारित प्रश्न होंगे। तो ये इन्होंने अपने पाठ्यक्रम को जारी करते हुए पहली बार यह पाठ्यक्रम जारी किया है ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से, और इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को तैयारी करना है। हिंदी काव्य का विकास, ये इनका पहला चैप्टर है, हिंदी काव्य का विकास और काव्य में। दूसरा है आदिकालीन काव्य पर प्रश्न, भक्तिकालीन काव्य पर प्रश्न, निर्गुण काव्य और सगुण काव्य और सूफी काव्य, यानी भक्तिकाल का विभाजन भी करके इन्होंने दिखा दिया है। ठीक है, तो यहां पर निर्गुण काव्य, सगुण काव्य और सूफी काव्य तीनों में आपको देखना है। रीतिकालीन काव्य पर प्रश्न, तो रीतिकाल भी आपको यहां पढ़ना है। आधुनिक कालीन काव्य पर प्रश्न, यह भी पढ़ना है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता भी आपको यहां से पढ़ना है। हिंदी भाषा का विकास एवं व्यवहारिक व्याकरण, यह पोर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर अगर हम दिल्ली की बात करें साथियों, तो दिल्ली अधीन सेवा चयन बोर्ड में साहित्य वाले प्रश्न थोड़े से आसान होते हैं, लेकिन व्याकरण के प्रश्न कठिनतम होते हैं। व्याकरण का प्रश्न बहुत स्तरीय पूछा जाता है, व्याकरण बहुत अच्छे स्तर का पूछा जाता है। तो हिंदी भाषा का विकास, इसकी उपभाषाएं एवं बोलियां, देवनागरी लिपि में उसका विकास, वर्ण विचार, उच्चारण, वर्तनी एवं संधि, शब्द विचार, शब्द रचना, पर्याय विलोम अनेकार्थक, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द इत्यादि, विकारी अविकारी शब्द, वाक्य रचना में रचना और अर्थ के आधार पर पद परिचय और अलंकार। मैं सारे सोर्स भी आपको बताऊंगा कि कहां से आपको क्या पढ़ना है, सारी चीजें आपको बिंदुवार बताऊंगा। अलंकार पढ़ने हैं, इसमें आपको शब्द शक्तियां पढ़नी है, मुहावरे और लोकोक्तियां पढ़नी है, अपठित गद्यांश पद्यांश पर आधारित प्रश्न होगा, संविधान में हिंदी की स्थिति, संपर्क भाषा हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी, कार्यालयी हिंदी और मानक हिंदी, यह प्रश्न होगा। इसके अलावा 10 प्रश्न आपके जो मेन सीडीपी से पूछे जाएंगे, ठीक है, 10 प्रश्न ऐसे होंगे जो सीडीपी से पूछे जाएंगे, यानी कि हिंदी शिक्षण संबंधित पूछे जाएंगे। चलिए अब पूरे पाठ्यक्रम को हम क्या कर लेते हैं, कैटेगराइज कर लेते हैं और देखते हैं कि कहां से हमें कैसे तैयारी करनी है। अगर हम साहित्य की बात करें तो इससे पहले क्या कहा जाता था, वाक धन मय कहा जाता था।
साथियों आप सब जानते हैं इसे क्या कहा जाता था, वाक दहन मय कहा जाता था। वाक मय की परंपरा में साहित्य था और बाद में इसका विभाजन हो गया तीन भागों में। एक को हम कहते हैं आज साहित्य, एक को कहते हैं वार्ता और एक को कहते हैं हम शास्त्र। तो साहित्य का जो मूल रूप है पहले वांग्मय में निहित था और वांग्मय का जो विभाजन हुआ वो तीन भागों में हुआ, साहित्य, वार्ता और शास्त्र। अब आपके पाठ्यक्रम में कहां से क्या क्या लिया गया है और हमें कैसे पढ़ना है इस पर ध्यान दीजिए। साहित्य वाले पोर्शन में हमें यहां क्या क्या पढ़ना है, तो साहित्य वाले पोर्शन में साथियों पढ़ना है हमें गद्य, ठीक है, पद्य, ठीक है, और चंपू। ये तीनों तरह की विधाएं और उनसे संबंधित प्रश्न यहां हमसे पूछे जाएंगे। गद्य, पद्य और चंपू हमें साहित्य में पढ़ना है, ठीक है। वार्ता में हमें क्या पढ़ना है, वार्ता में हमें पढ़ना है मुहावरा, मुहावरा और शब्दकोश। मुहावरा और शब्दकोश हमें वार्ता साहित्य में पढ़ना है और शास्त्र में हमें क्या पढ़ना है, व्याकरण पढ़ना है। क्या पढ़ना है साथियों, व्याकरण शास्त्र पढ़ना है और व्याकरण शास्त्र के साथ साथ थोड़ा बहुत हमें काव्य शास्त्र पढ़ना है। क्या पढ़ना है, काव्य शास्त्र पढ़ना है। काव्य शास्त्र के साथ साथियों और क्या पढ़ना है, काव्य शास्त्र के साथ व्याकरण शास्त्र का ही एक अंग है, व्याकरण शास्त्र का ही एक अंग है मानक हिंदी। मानक हिंदी में हमें क्या पढ़ना है, मानक हिंदी में दो पार्ट पढ़ना है। एक तो पढ़ना है राजकाज में हिंदी, ध्यान रखिएगा क्या नाम है उसका, राजकाज में, राजकाज में हिंदी। और दूसरा चैप्टर इसी में पढ़ना है प्रयोजन मूलक हिंदी। क्या पढ़ना है, प्रयोजन मूलक हिंदी, ठीक है। और प्रयोजन मूलक हिंदी के अलावा एक पार्ट इसी में और है जो है सृजनात्मक हिंदी का, ध्यान रखिएगा सृजनात्मक हिंदी का, ठीक है, सृजनात्मक हिंदी का ये पार्ट पढ़ना है। तो इसमें सारे जो सिलेबस में सबको ओपन करके नहीं लिखा गया है, बहुत सारी चीजें नहीं लिखी गई हैं जो हमको पढ़नी है। सिलेबस ये कोई भी जारी कर दे डीटी प्लस भी, लेकिन पेपर तो अपने अनुसार ही बनाएगा जैसे अब तक बनाता आया है। तो यहां पर हम उसी की तरफ आपको लेके चल रहे हैं कि राजकाज में हिंदी, सृजनात्मक हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी, ये तो मानक हिंदी वाले पोर्शन में आपसे पूछा जाएगा, व्याकरण पूछा जाएगा, काव्यशास्त्र के में अगर आप चले तो काव्यशास्त्र में दोनों काव्यशास्त्र पूछा जाएगा, भारतीय और पाश्चात्य। काव्यशास्त्र में साथियों, काव्यशास्त्र में जो है सूचनात्मक जानकारी होगी, सूचनात्मक जानकारी होगी किसके परिप्रेक्ष्य में, भारतीय काव्यशास्त्र में और पाश्चात्य काव्यशास्त्र में। ये दोनों काव्यशास्त्र में जो है सूचनात्मक जानकारी होगी, जैसे लोंजाइनस का काव्य सिद्धांत क्या है, रिचर्ड्स का काव्य सिद्धांत क्या है, या अरस्तु के काव्य सिद्धांत कौन कौन से हैं, या आप कह सकते हैं कि इनमें से कौन आत्मावादी आचार्य है, कौन प्रत्ययवादी आचार्य था, या पेरिप्सिस किसकी रचना है, ठीक है, या जो है इलियट की रचनाओं का नाम क्या है। तो इस तरह से सूचनात्मक जानकारी पाश्चात्य काव्य शास्त्र से और भारतीय काव्य शास्त्र में भी जो प्रमुख संप्रदाय है उनकी स्थापना करता और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें आपसे पूछी जाएंगी। इसके अलावा यहां पर रस और छंद, देखिए आपके यहां कोर्स में सिलेबस में रस और छंद नहीं दिया गया है, लेकिन रस और छंद से सूचनात्मक जानकारी रहेगी, ध्यान रखिएगा रस और छंद से सूचनात्मक जानकारी रहेगी। और अलंकार आपसे पूरा पूछा जाएगा, अलंकार आपसे पूरा पूछा जाएगा। अलंकार में शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, तीनों प्रकार के जो अलंकार है साथी वो आपसे पूछे जाएंगे। अब ये कहां से हम कवर करें, कहां से तैयारी करें, बहुत सारे लोग जो हैं वो बताते हैं कि हमारे यहां एडमिशन ले लीजिए, हम आपकी तैयारी करवाएंगे, लेकिन उन्होंने कभी सोर्स नहीं बताया, कभी वो किताबें नहीं बताते हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आप मेरे यहां कोर्स मत लीजिए, आप अगर सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो कुछ किताबें मैं आपको हमेशा बता देता हूं कि आप ये किताबें ले लीजिए और उनका अध्ययन कर लीजिए, खुद तैयारी करिए, ठीक है।
तो आपको इसमें एक पोर्शन मिलेगा सीडीपी का, यानी कि हिंदी शिक्षण का। किसका मिलेगा? हिंदी शिक्षण का एक पोर्शन मिलेगा। और हिंदी शिक्षण में कितने प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे? तो हिंदी शिक्षण में साथियों जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे उनकी संख्या होगी 10। तो 10 प्रश्न आपसे टीजीटी हिंदी DEE+B में हिंदी शिक्षण से संबंधित 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इन 10 प्रश्नों में जो प्रश्न होंगे उसमें से 5 प्रश्न करीब जो आपके भाषा शिक्षण से संबंधित होंगे, भाषा शिक्षण से, और 10 प्रश्न में 5 प्रश्न भाषा शिक्षण और 5 प्रश्न जो होंगे वो आपके टेक्निक्स पे होंगे, यानी कि किस तरह से आप साहित्य को पढ़ाएंगे, नाटक को पढ़ाएंगे, किस प्रकार से निर्णय क्षमता होगी, वो सारा चीज मिलाकर यहां पर पूछा जाएगा। तो भाषा और साहित्य को अगर मिला लें तो यहां पर ये आपके 10 प्रश्न आपके शिक्षण संबंधित पूछे जाएंगे। हिंदी शिक्षण के बाद बात करें तो आपके यहां एक अपठित बोध भी पूछा जाता है, ठीक है। अपठित बोध जो है इस पर भी कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो इसमें 2 अपठित बोध आपसे पूछा जा सकता है, कभी एक कभी 2। तो कुल मिलाकर 5 प्रश्न से 10 प्रश्न जो होगा वो अपठित बोध से संबंधित पूछा जाएगा, जिसमें एक अपठित बोध जो होगा वो गद्य पर होगा और एक अपठित बोध जो होगा वो पद्य पर होगा, ठीक है। तो ये आपका अपठित बोध से संबंधित प्रश्न इस तरह से रहेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि DEE+B हिंदी की तैयारी, अगर आप DEE+B हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो कितना समय आपके पास अभी बाकी रह गया है? देखिए DEE+B TGT हिंदी की बात करें तो इसका एग्जाम डेट कब पड़ेगा, इस पर चर्चा कर लेते हैं। अभी मिसलेनियस स्टाफ या अदर टीचिंग स्टाफ के लिए DEE+B ने परीक्षा तिथि जारी की है। अब दिल्ली अधीन सेवा चयन बोर्ड ने परीक्षा तिथियां जारी की हैं और सारी परीक्षाएं जून महीने से शुरू हो जा रही है, यानी पहले फेज में उन्होंने नॉन टीचिंग के लगभग सभी पदों की तिथियां जारी कर दी हैं और वो जो परीक्षाएं हो रही हैं वो मिड अगस्त तक हो रही है, यानी कि टीचिंग की जो वैकेंसीज हैं उनके एग्जाम की डेट 15 अगस्त के आसपास से शुरू हो जाएगी और 15 अगस्त सितंबर और अक्टूबर तक चलेगी, यानी कि आपकी परीक्षाएं जो हो सकती हैं वो 15 अगस्त से अक्टूबर तक जो है वह आयोजित करवाई जा सकती है। अब आप कहेंगे कि इतना लंबा डेट क्यों बताया जा रहा है, तो इसके पीछे कारण यह है कि बहुत सारी परीक्षाएं करवाता है DEE+B, टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों तरह के पदों पर करवाता है और सभी विषयों की परीक्षाएं हैं, तो कौन सी परीक्षा तिथि कब पड़ जाए इसको कंफर्म में हम नहीं रख सकते हैं पहले से। तो 15 अगस्त से अक्टूबर तक भर में सभी परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएंगी और हमारा टारगेट भी होना चाहिए कि हम ऐसी तैयारी करें कि अगस्त तक हमारी तैयारी लगभग हो जाए। सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन क्रिटिकल है, ध्यान से समझिए कि हमें अब इस तरह की स्ट्रेटजी अपनानी है कि हमारा पेपर 15 अगस्त से शुरू हो सकता है और अक्टूबर तक खत्म हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारी परीक्षाएं होनी है, तो इसलिए किस विषय की परीक्षा तिथि कब पड़ेगी यह अभी हम कंफर्म में इस तरह से स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। तो यह हमारी परीक्षा तिथि की एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए, क्योंकि नॉन टीचिंग के जो पद हैं उनके लिए एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है, आप सब देख सकते हैं, आप लोगों ने हो सकता देखा भी हो, टीचिंग वाले पदों की जो है वो यहां से शुरू होगा, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि अगर आप DEE+B पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 में साथियों 20 प्रश्न के मल्टीपल 5 सब्जेक्ट आपके आएंगे, 20-20 के सेट में 5 सब्जेक्ट आएंगे 100 प्रश्न के, और ये 100 प्रश्नों की तैयारी टीचर्स एकेडमी पर आपको करवाई जा रही है। अगर आप टीचर्स एकेडमी में कोई सब्जेक्ट लेते हैं तो उसके साथ आपको पेपर 1 मिल जाता है इंक्लूड करके। तो आप अगर पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हैं, सब्जेक्ट में पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं, तो DEE+B स्पेशल बैच लीजिए जो केवल DEE+B के लिए लॉन्च किया गया है। नंबर है 9628-95-9237, इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिए या कॉल कर लीजिए, आपको ये बैच मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं साथियों हिंदी में क्या क्या पढ़ें। देखिए हिंदी में आपको कई किताबें पढ़नी पड़ेंगी। अगर ये कोई कहता है कि कोई एक किताब खरीद लीजिए, कोई एक गाइड खरीद लीजिए, किसी एक व्यक्ति का नोट्स पढ़ लीजिए, तो आपका चयन होने से रहा, ऐसे चयन नहीं होगा। कुछ स्ट्रेटजी आपको अपनानी होगी, कुछ किताबें आपको खरीदनी होंगी। जैसे कुछ किताबें मैं आपको बता दे रहा हूं जो आप मार्केट से ले लीजिए। पहली किताब है राजकाज में हिंदी,
राजकाज में हिंदी। साथियों मैं आपको बता दूं कि कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन जो टीचर पढ़ाते हैं वो बुक्स नहीं बताते, उनको ये लगता है कि मैं सारी किताब बता दूंगा तो मुझसे पढ़ेगा कौन। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप अगर सेल्फ स्टडी कर सके तो करिए। सेल्फ स्टडी करने में केवल एक चुनौती होती है कि आपको समय ज्यादा लगता है, कम से कम साल भर का समय लग जाता है किताबों को समझना, क्या नहीं पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाना है, कौन से चैप्टर हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, कहां से किस तरह का प्रश्न आता है, इस तरह से करते हुए काफी समय लग जाता है। बाकी अगर आप किसी के गाइड में, किसी के मेंटोरशिप में तैयारी करते हैं तो ये कम समय में भी हो सकता है। तो राजकाज में हिंदी ये हरदेव बाहरी की किताब है, ये किताब आप जरूर ले लीजिए। किसकी किताब है? हरदेव बाहरी की किताब है, ये आप ले लीजिए। दूसरी किताब आपको लेना है हिंदी व्याकरण की, वासुदेव नंदन प्रसाद की, वासुदेव नंदन प्रसाद की ये किताब आपको लेनी है साथियों, हिंदी व्याकरण के लिए। किसके लिए लेनी है? हिंदी व्याकरण के लिए लेनी है। और लगभग सारा काम आपका यहीं से हो जाएगा, यहीं से प्रश्न आपके इंक्लूड हो जाते हैं। देखिए मैं किताबें आपको बता रहा हूं सिलेक्टेड। अब आप कहेंगे कि सर किताबें आप बहुत ज्यादा बता दे रहे हैं, तो सारी किताबों से सब कुछ नहीं पढ़ना है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना है। किताबें, कुछ किताबें ऐसी कि जिसमें से एक ही दो चैप्टर पढ़ना है, तो किताबें लेकिन आपके पास होनी चाहिए। वासुदेव नंदन हो गया, राजकाज में हिंदी हो गया, हरदेव बारी का। तीसरा आपको लेना है जनसंचार माध्यम, ध्यान रखिएगा जनसंचार माध्यम लेना है। ये 11-12 की एनसीईआरटी की बुक है, ये किताब आपको ले लेना है जनसंचार माध्यम, जो कि 11-12 में एनसीईआरटी की ये बुक चलती है। तो तीन किताबें हो गई। चौथी किताब जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं, वो क्या है? पीवाईक्यू, ध्यान रखिएगा पीवाईक्यू लेना है आपको, D++B का, D++B हिंदी का, ठीक है, हिंदी का लेना है। और आपको एनवीएस का लेना है, ध्यान रखिएगा एनवीएस का। किसके लिए लेना है? CDP के लिए, ध्यान रखिएगा। जो यहां शिक्षण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो शिक्षण वाला जो पोर्शन है वो नवोदय विद्यालय का और दिल्ली अधीन सेवा चयन बोर्ड का लगभग समान है। तो आप चाहें तो यहां से शिक्षण वाला जो पोर्शन है वो आप यहां से कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये जो शिक्षण वाला पोर्शन है वो यहां से आप कवर कर सकते हैं, एनवीएस का पीवाईक्यू ले लीजिए। इसके अलावा पांचवी पुस्तक आपके पास होनी चाहिए पीवाईक्यू आपका D++SB के लिए। ये किसके लिए होना चाहिए? आपका हिंदी के लिए होना चाहिए। अगर आप D++B का पीवाईक्यू चाहते हैं हिंदी वाला, D++B का पीवाईक्यू चाहते हैं शिक्षण वाला, तो दोनों चीजें आपको निःशुल्क प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। वो टीचर्स एकेडमी के टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाई जाती है, आप व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ जाइए, आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। छठवीं किताब आपको कौन सी खरीदनी है? छठवीं किताब आपको खरीदनी है पेपर वन के लिए पीवाईक्यू, ध्यान रखिएगा पेपर वन के लिए आपको पीवाईक्यू खरीद लेनी है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसका भी निःशुल्क PDF टीचर्स एकेडमी के टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप हमें 9628952937 पर व्हाट्सएप कर लीजिए, वहां से आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये पीवाईक्यू भी आपको यहां से मिल जाएगा, ठीक है, हिंदी का भी पीवाईक्यू आपको मिल जाएगा, दोनों पीवाईक्यू आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो टीचर्स एकेडमी का जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, वहां पर भी जाके फ्री आप क्लासेस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब बात करते हैं बुक्स में हिंदी साहित्य के लिए, हिंदी में आपको क्या क्या किताबें खरीदनी है, ध्यान रखिएगा। हिंदी में पहली किताब आपको खरीदनी है रामचंद्र शुक्ल, पहली किताब खरीदनी है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। कौन सी किताब खरीदनी है? हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी किताब खरीदनी है रामचंद्र शुक्ल का इतिहास, ये किताब आपको बहुत महत्वपूर्ण है, ये जरूर खरीदनी है। तीसरी किताब खरीदनी है बच्चन सिंह का दूसरा इतिहास, जिसका नाम ही क्या है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ठीक है। इसके अलावा एक चौथी किताब है जो आप चाहें तो खरीद लें, प्रश्न वहीं से बनता है, जो कि
आधुनिक जितनी भी गद्य की रचनाएं हैं, तो गद्य साहित्य का इतिहास रामचंद्र तिवारी, रामचंद्र तिवारी गद्य साहित्य का इतिहास। तो साथियों, ये किताब मोटी है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर ये किताब जो है 1000 रुपए की करीब किताब ही आप खरीदवा देंगे, क्या होगा इतनी मोटी किताब पढ़ के। तो देखिए, प्रश्न तो यही पूछे जाते हैं। अब आप पढ़े या ना पढ़े वो आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि ये पूरी किताब तो नहीं पढ़नी, लेकिन जो गद्य की विधाएं आपके यहां सिलेबस में दी गई हैं, प्रश्न साथियों यहीं से पूछा जाता है। तो रामचंद्र तिवारी वाली किताब आप गद्य के लिए ले लिए, बच्चन सिंह का ले लिए, रामचंद्र शुक्ल का ले लिए, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास ले लिए। और एक किताब आप चाहें तो कोई भी वस्तुनिष्ठ ले सकते हैं, कोई भी वस्तुनिष्ठ हिंदी साहित्य किताब ले सकते हैं, जो भी आपका मन करे। ठीक है, पीवाईक्यू आपने ले ही लिया है, एनबीएस का पीवाईक्यू ले लिया है, डीट प्लस बी का पीवाईक्यू ले लिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लिया है, फर्स्ट पेपर का आपने ले लिया है, ये सारी किताबें ले लिया है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पढ़ेंगे। इसके अलावा एक किताब आपको और लेनी है, वो कौन सी लेनी है, दसवीं सीबीएसई बोर्ड दसवीं का जो पाठ्यक्रम है और उसका जो पीवाईक्यू है। ठीक है, तो ये आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर दसवीं सीबीएसई बोर्ड का जो है वो लेना है, क्योंकि जो व्याकरण के प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत सारे व्याकरण के प्रश्न जो हैं वो दसवीं बोर्ड के पीवाईक्यू से पूछ लिए जाते हैं व्याकरण वाले पोर्शन के लिए। तो जो दसवीं सीबीएसई का पीवाईक्यू है, खास करके व्याकरण वाला जो खंड है साथियों, यहां से कवर हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है सीटेट का जो है हिंदी शिक्षण जो है पीवाईक्यू, यह भी आपके हिंदी शिक्षण वाले पोर्शन के लिए काफी महत्वपूर्ण भाग है। तो ये सारी चीजें साथियों आपको पढ़नी है, यहां से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसी स्ट्रेटेजी पर अगर आप तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएगा और पहले प्रयास में आपका चयन हो जाएगा। अगर आप टीचर्स एकेडमी की सहायता लेना चाहते हैं तो स्वागत है आपका, आपके लिए स्पेशल बैच है डीट प्लस बी का, ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है, केवल व्हाट्सएप करके ज्वाइन करना है, हमारा नंबर है 9628952937। हम ये पूरा कोर्स आपको तय समय सीमा में पूरा करवाएंगे, आपको पूरा नोट्स देंगे, इसके अलावा आपको परीक्षा से पहले 10 दिन, लगभग 10 दिन पहले परीक्षा से आपको हम टेस्ट सीरीज भी करवाएंगे, यानी कि आपको मॉडल पेपर भी कराएंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आज का सेशन आप सबको कैसा लगा जरूर बताइएगा, फिर आप सबसे मुलाकात होगी एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।